Very good morning, dear student. I hope you all are fine and doing well. Students, I'm a teacher from Premchand Memorial Public School and this is your English grammar class. So please take out your English grammar book. In that, we are going to discuss chapter number 6, that is words used in place of nouns, pronouns, which is on page number 25. So students, today we are going to read about pronouns. ओके आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में. प्रोनाउंस को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम. ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर. लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस. सर्कल द नाउंस इन द सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स आपको पिक्चर्स को देखना है और सेंटेंसेस को रीड करना है एंड देन आपको नाउंस पर सर्कल करना है. ओके सो वी ऑलरेडी नो नाउंस क्या होते हैं. हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है राइट. नाउंस क्या होते हैं बच्चों. द वर्ड्स दैट नेम्स अ पर्सन प्लेस एनिमल और अ थिंग. किसी भी व्यक्ति स्थान जानवर या चीज के नाम को हम नाउंस कहते हैं राइट. जिन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. ओके नाउ रीड द सेंटेंसेस. रोहित इज अ बॉय. रोहित लाइक्स टू प्ले मीन्स रोहित एक लड़का है. रोहित को पढ़ना पसंद है. ओके सो स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस में हमारे नाउन है रोहित बॉय. ओके सो वी हैव टू सर्कल देम. ओके नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस. रीना इज अ गर्ल. रीना लाइक्स टू प्ले विद डॉल. रीना एक लड़की है. रीना को डॉल के साथ खेलना पसंद है. ओके सो स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस में से नाउन कौन से हैं बच्चे. रीना गर्ल प्ले एंड डॉल. ओके सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो बच्चे इन दोनों सेंटेंसेस में रोहित टू टाइम्स रिपीट हुआ है. ओके दोनों ही सेंटेंसेस को रोहित से स्टार्ट किया गया है. सिमिलरली हेयर ऑल्सो रीना इज रिपीटेड टू टाइम्स. ओके इन दोनों सेंटेंसेस को भी रीना से ही स्टार्ट किया गया है. ओके दोनों सेंटेंसेस में रीना रिपीट हुआ है. ओके इन द अबव सेंटेंसेस वी कीप सेइंग रोहित एंड रीना अगेन एंड अगेन. सो स्टूडेंट्स ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में हम रोहित और रीना बार बार बोल रहे हैं राइट. ऊपर दिए गए दोनों सेंटेंसेस में हमें सेम नाम रिपीट हुए हैं राइट. रोहित एंड रीना आर नेमिंग वर्ड्स नाउन्स. स्टूडेंट्स रोहित और रीना क्या है नेमिंग वर्ड्स हैं राइट विच इज नाउन जो कि नाउन है. ओके वी कैन यूज अदर वर्ड्स इंस्टेड ऑफ सेइंग नेमिंग वर्ड्स अगेन एंड अगेन. स्टूडेंट्स हम बार बार नेमिंग वर्ड्स कहने के बजाय कुछ अन्य शब्द भी यूज कर सकते हैं राइट. हम बार बार नेमिंग वर्ड्स को ना कहकर कुछ और शब्द भी इस्तेमाल कर सकती हैं. ओके रोहित इज अ बॉय. ही लाइक्स टू रीड. रोहित एक लड़का है. उसे पढ़ना पसंद है. ओके रीना इज अ गर्ल. शी लाइक्स टू प्ले विद डॉल. रीना एक लड़की है. उसे गुड़िया के साथ खेलना बहुत पसंद है. सो स्टूडेंट्स आप इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देख सकते हो. ओके हमने यहाँ पर सेकंड सेंटेंस भी रोहित के साथ स्टार्ट किया था बट यहाँ पर हमने सेकंड सेंटेंस किससे स्टार्ट किया है ही से राइट. सिमिलरली यहाँ पर भी सेकंड सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ था रीना से बट यहाँ पर सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हुआ है शी से. ओके ही एंड शी आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेमिंग वर्ड्स रोहित एंड रीना. स्टूडेंट्स ही एंड शी नेमिंग वर्ड्स रोहित एंड रीना की रीना के प्लेस पर यूज किए गए हैं. ओके दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस. इन्हें प्रोनाउंस कहते हैं. ओके सो स्टूडेंट्स प्रोनाउंस की हेल्प से हमें नेमिंग वर्ड्स को रिपीट नहीं करना पड़ता है राइट. नाउ सी प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स नाउंस. प्रोनाउंस वे शब्द हैं जिन्हें हम नेमिंग वर्ड्स which is nouns
की जगह पर यूज करते हैं। ओके, प्रोनाउंस हमारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, राइट? वी यूज प्रोनाउंस व्हेन वी डू नॉट वांट टू रिपीट द सेम नाउन्स। स्टूडेंट्स, हम प्रोनाउंस का यूज तब करते हैं जब हम सेम नाउन को रिपीट करना नहीं चाहते हैं। ओके, नाउ प्लीज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। सी द एक्सरसाइज ए। सर्कल द नेमिंग वर्ड्स दैट हैव बीन रिपीटेड। सो स्टूडेंट्स, हियर सम सेंटेंसेस आर गिवन एंड यू हैव टू सर्कल द नेमिंग वर्ड्स दैट हैव बीन रिपीटेड। ओके, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें से आपको उन नेमिंग वर्ड्स पर सर्कल करना है जो कि रिपीट हुए हैं। ओके, सी द फर्स्ट वन, द कैट इज स्मॉल, द कैट इज ब्लैक, द कैट म्यूज। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू कैन रीड इन दिस सेंटेंस द नेमिंग वर्ड कैट इज रिपीटेड। ओके, आप इस सेंटेंस में पढ़ सकते हो जो नेमिंग वर्ड है कैट, ये रिपीट हुआ है। ओके, सो यू हैव टू सर्कल दिस वन। ओके, सो यू हैव टू डू लाइक दिस। नाउ सी, लुक एट द टेबल गिवन बिलो। सो स्टूडेंट्स, आप नीचे दी गई टेबल को देखिए। सी, हियर सम प्रोनाउंस आर गिवन विद देयर यूजेस। ओके, लाइक सी द फर्स्ट वन, I, you is used for a boy, a girl, a man or a woman. So students, I, you, students, I को हिंदी में हम कहते हैं मैं and you को आप. Okay? So I और you किसके लिए use किए जाते हैं? एक लड़के, एक लड़की, एक आदमी या एक औरत के लिए. Okay? Next is he. He is used for a boy or a man. Students, he को हम हिंदी में कहते हैं वह। Okay? So, he हम use करते हैं एक आदमी या एक लड़के के लिए। Okay? Now see, she. She is used for a girl or a woman. Students, she को हम हिंदी में बोलते हैं वह। Okay? और she हम किसके लिए use करते हैं? एक लड़की या एक औरत के लिए। Okay? We is used for more than one person. Students, we को हिंदी में हम बोलते हैं हम। Okay, we की हिंदी क्या है? हम। और we का use हम एक से अधिक व्यक्तियों के लिए करते हैं। Okay, they is used for more than one person or thing. Students, they को हिंदी में हम बोलते हैं वे। Okay, they की हिंदी क्या है? वे। They को हम एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। ओके, इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज एंड नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, इट की हिंदी है यह। ओके, इट को हिंदी में बोलते हैं यह। इट का यूज हम जानवर, पक्षी, पेड़ और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। ओके, आप सभी को पता होगा नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जो जीवित नहीं होती है, राइट? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती हैं, जो सांस नहीं लेती हैं, राइट? वो होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो उनके लिए हम इट का यूज करते हैं। ओके, नाउ सी, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, हियर सम पिक्चर्स आर गिवन with the sentences. Okay, so we have to read them. See the first one, I am Bretto, you are Trisha. Main Bretto hoon, aap Trisha ho. Okay, see the next one, I am Peter, you are Angela. Main Peter hoon, tum Angela ho. Okay, this is Simi, she is a girl. Yeh Simi hai, यह एक लड़की है। दिस इज ब्रूनो, इट इज अ डॉग। यह ब्रूनो है, यह एक कुत्ता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यू कैन रीड इन दिस सेंटेंसेस आई, यू, दिस, शी, इट, ये सभी क्या है? प्रोनाउंस है, राइट? सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू हाफ ऑफ दिस चैप्टर in our next class. Okay, so till then, what you have to do, you have to
डू एक्सरसाइज ए इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, आपको अपनी बुक में एक्सरसाइज ए करनी है एंड देन यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में इस टेबल को ड्रॉ करना है। ओके, और आपको ये सभी प्रोनाउंस एंड उसके यूजेस लिखने हैं। ओके, एंड यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज आस्क टू मी। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।